हेलो 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 हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं उषा यादव, मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी की शोधार्थी हूँ। सबसे पहले मैं मुल्ला आदम अली जी का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे लाइव आने का ये मौका दिया। और ये मेरा पहली बार लाइव है। अगर कुछ गलती हो तो मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा जो शोध का विषय है, सुशीला टागोरे के साहित्य में दलित नारी विमर्श। मैं सबसे पहले नारी के बारे में बताना चाहूँगी कि नारी कौन है। हिंदी साहित्य में अगर नारी की बात की जाए तो नारी के अस्तित्व को लेकर कई प्रश्न खड़े होते हैं। नारी चेतना का मतलब स्त्री जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है। नारी का मतलब स्त्री जीवन से जुड़े हुए वे सारे विमर्श हैं जो नारी के बारे में बताए जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम दलित स्त्री की बात करते हैं तो दलित स्त्री कौन होती है? दलित नारी जो होती है वह दो तरह के अभिशाप से गुजरती है, एक तो दलित होने का, दूसरा नारी होने का। समाज में उसे कलंक माना जाता है। वास्तविकता तो यह है कि दलित नारियों का अपने परिश्रम के साथ अपने जिस्म पर भी कोई अधिकार नहीं होता। दलित समाज की नारियों की स्थिति उच्च वर्ग की नारियों की अपेक्षा बहुत दयनीय, शोचनीय और नारकीय होती है। हिंदी में दलित नारी रचनाकारों के बारे में यदि मैं बात करूं तो बहुत सी लेखिकाएं हैं जो अपने साहित्य को अपने साहित्य के माध्यम से मतलब दलित साहित्य को उजागर कर रही हैं। उनमें से रजनी तिलक जी, अनिता भारती, सुशीला टागोरे, कौसल्या बैसंतरी जी हैं। आज मेरे जो चर्चा का विषय भी सुशीला टागोरे पे है। सुशीला टागोरे पर यदि मैं बात करूं तो उनका लेखन जो है वो यथार्थता को व्यक्त करता है, क्योंकि दलित होने के कारण उन्होंने सभी समस्याओं को झेला है और दलितों की मार्मिक भावनाओं को बहुत करीबी से भी देखा है। सुशीला जी बेबाक होकर के अपने दलित समाज के बारे में लिखती हैं। उनका जन्म स्थान को लेकर यदि मैं कुछ कहूँ तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म 4 मार्च 1954 को हुआ। उनकी माता पन्ना घावरी और पिता राम प्रसाद घावरी जी थे। उनके पिता दूसरी कक्षा तक ही पढ़ पाए थे, क्योंकि उस समय सवर्णों के द्वारा दलितों के बच्चों को स्कूल में नहीं लिया जाता था। उन्हें जो भी अक्षर ज्ञान प्राप्त था उसके हिसाब से वे थोड़ा बहुत हिसाब किताब रख लिया करते थे, जिसका प्रभाव उनके बच्चों जैसे सुशीला जी पर भी काफ़ी पड़ा था। सुशीला जी की माता पन्ना घावरी अपनी माँ की एकमात्र संतान थी।
सुशीला जी की माता जी को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, परंतु ये जो उनकी लालसा थी उनके मन में ही रह गई, क्योंकि जात पात और छुआछूत के प्रकष्टा के कारण स्कूल के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए, जिसके कारण वो कभी स्कूल ना जा सकी। परंतु वो अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी सतत रहती थी और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्होंने प्रण किया था। सुशीला जी के चार भाई और तीन बहनें थीं, जिसमें सुशीला जी सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने के कारण उनको नानी का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला था, जिस कारण वो घर में सबकी लाडली हुई थी। शिक्षा के बारे में अगर मैं कहूँ तो सुशीला जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो बानापुर गांव में हुई। आगे की पढ़ाई भी उन्होंने वहीं से की, परंतु उन्होंने डिग्री की जो पढ़ाई थी वो महाविद्यालय सिवनी मालवा से की थी। बीएड और पीएससी जैसी जो पढ़ाई जो उपाधि थी उन्हें उनके ससुराल यानी उनके पति सुंदरलाल टागभोरे के घर से ही प्राप्त हुई थी। इसके बाद मैं सुशीला जी के साहित्यिक के विषय के बारे में चर्चा करूंगी कि सुशीला जी ने हर विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई थी। उनको जो पढ़ने लिखने का शौक़ था बचपन से ही था, फिर भी समाज की विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने साहित्य को समाज के सामने उजागर किया। लेखन के क्षेत्र में उन्हें अनेक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा था, जिसका कारण वे स्वयं को मानती हैं। वो कहती हैं कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी, जिस कारण मैं अपनी बातों को रख नहीं पाती थी। सुशीला जी ने हर विधा पर लेखनी चलाई, चाहे वो कहानी हो, काव्य संग्रह हो, उपन्यास हो, आलोचना हो या निबंध हो। सर्वप्रथम उन्होंने चार काव्य संग्रह लिखे हैं, जिसका वर्णन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सामने रखूँगी। जैसे उनका पहला जो काव्य संग्रह है स्वाति बूंद और खारी मोती, जो 1993 में प्रकाशित हुआ था, और इसका लोकप्रियता के कारण इसका दूसरा संस्करण भी निकाला गया जो 2014 में प्रकाशित हुआ। स्वाति बूंद और खारे मोती के अंदर इनकी छोटी छोटी कविताएं हैं। ये कविताएं उनके भावों को व्यक्त करती हैं, जो उन्होंने भोगा, जो उन्होंने सहा। ये सारी की सारी जो कविताएं हैं उनके जीवन के अनुभवों को लिया है को बारे में है। इस काव्य संग्रह का आधार अम्बेडकरवादी विचारधारा और बौद्ध बुद्ध के विचारों को वो इस काव्य संग्रह में बताती हैं। उन्होंने शोषण और अन्याय के विरुद्ध भी अपनी लेखनी के द्वारा समाज के दुश्मनों को ललकारा है। जैसे एक कविता में उन्होंने कहा है, अंधेरे के विरुद्ध कविता के मैं कुछ पंक्तियां यहाँ आप लोगों के सामने मुखरित करती हूँ। एक नेत्रहीन की दुनिया देखी कुछ क्षण के लिए, काले फौलादी रंग की दीवारों के बीच जब जीवन की रेल अंधेरी सुरंग से गुजरती थी, तभी जाना कैसी होती है अंधेरी दुनिया, अस्तित्वहीन आस्थाहीन। यहाँ उन्होंने समाज के बारे में बताया है कि हम जैसे दलित लोगों के बारे में ये समाज के लोग कुछ नहीं समझते हैं, हमें अस्तित्वहीन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उस तरह हमें एक कटघरे के सामने ला के खड़ा कर दिया है। इस तरह इनका जो दूसरा काव्य संग्रह है ये तुम ही जानो काव्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था 1994 में हुआ। ये काव्य संग्रह को बहुत सराहना मिली थी। इस काव्य संग्रह में उन्होंने नारी चेतना, नारी विमर्श की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में नारी मुक्ति, नारी स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों को लेकर चाहे हम कितने बड़े भी दावे कर लें, परंतु यदि हमारे समाज में नारी स्वतंत्र नहीं है, नारी सुरक्षित नहीं है, तो नारी इस समाज में अपने आप को एक भागीदारी नहीं मान सकती है। इस काव्य संग्रह के अंदर भी अम्बेडकरवादी सोच की प्रधानता है। इस काव्य संग्रह में भी उन्होंने स्त्री नामक एक कविता में कुछ पंक्तियां यहाँ पे मैं आपको आपके सामने रखूँगी। एक स्त्री जब कोई भी कोशिश करती है लिखने की, बोलने की, समझने की, सदा भयभीत सी रहती है, मानो पहरेदारी करता हुआ कोई सिर पर सवार है। यहाँ पे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं कि जब भी वो लिखने जाती थी कोई ना कोई उनके सामने उनके सर पे सवार, जैसे घर के काम या उनकी जो छटपटाहट है मन की या फिर इनकी जो चिंताएं हैं, हमेशा उनके मन के ऊपर सवार ही रहती थी।
फिर भी उन्होंने अपनी लेखनी को, अपने साहित्य को छोड़ा नहीं, वो लिखती गईं और आज हम उनको अपने पुस्तकों में, आज हम उनके साहित्य को पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो इनका काव्य तीसरा काव्य संग्रह है तुमने उसे कब पहचाना, जो 1995 में प्रकाशित हुआ था। ये काव्य संग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने अपनी वेदना, संवेदना को उसके विरोध विद्रोह का चित्रांकन किया है। इसमें उन्होंने नारी की भोग्या मानने वाली जो समाज है, दुर्दशा और नारी को अपने पैरों के धर्मशास्त्रों के धर्मशास्त्रों द्वारा डाली गई बेड़ियों, सामाजिक रूढ़ियों, पुरुष सत्ता आदि से संबंधित प्रश्न को उठा करके पुरुष समाज की खुली चुनौती दी है। इस कारण ये काव्य संग्रह नारी के वर्तमान दलित स्थिति का चित्रण तो करती ही है, साथ ही समाज में नारियों के प्रति हो रहे अत्याचार के प्रति भी आह्वान करती हैं। जैसे उनकी एक कविता है, वह मर्द की तरह जी सकेगी। यहाँ उन्होंने एक मर्द की तरह लोगों के बारे में कहा है, औरत अगर अलग अलग कर दे अपनी कोमलता, कमनीयता, लचक और झनकार, मैं लय जैसे मेहंदी की मधुरता, नुपुरों की रुंझुन, तो वह तनकर चल सकेगी, खनखनी चूड़ियों की जगह दे सकेगी शक्ति, शक्तिशाली हौसला, उठकर हाथ अपने पा सकेगी मंजिल की डोर। यदि औरत अपने श्रृंगार को छोड़ करके अपने साहित्य की ओर ध्यान देती है या फिर उनके बारे में सोचती है, तो ज़रूर वह उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। वह अपने आत्मविश्वास से अपने इस कलम की सहायता से या अपने शिक्षित होने की सहायता से कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकेगी। इसी तरह से उनका जो चौथा काव्य है, काव्य संग्रह है, हमारे हिस्से का सूरज, जो उनका अंतिम काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था 2005 में हुआ। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2014 में भी इसका दूसरा संस्करण निकाला गया था। इसके अंदर उन्होंने दलित जातियों की यातनाओं, समस्याओं और वर्तमान स्थिति को स्वर दिया है। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई दलित जातियों के समक्ष अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं। इस काव्य संग्रह में उन्होंने समस्याओं को तो हल सुझाया ही है, साथ ही दलित के शुभ चिंतक, मार्गदर्शक और पुरुष क्रांतिकारी समाज सुधारकों के कार्यों पर अपनी विचारधाराओं को व्यक्त किया है, तथा वे समाज में एक परिवर्तन चाहती थी। वो चाहती थी कि इन परिवर्तनों के द्वारा हम सब मानवता को अपनाएं। हमारे अंदर जो भावनाएं पनप रही हैं, वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको ना मान करके हम लोग मानवता को एक भाईचारे की भावना से जिए। इसी तरह से उन्होंने हमारे हिस्से की सूरज नामक कविता में कहा है, लाख कोशिशें की हैं दुश्मनों ने हमारे हिस्से की सूरज को ढांकने की, फिर भी चमका है दुनिया के आकाश में हमारा क्रांतिकारी सूर्य। वो कहती हैं कि लाख कोशिशें कोई कर ले, यदि हमारे अंदर हिम्मत है, हम किसी कार्य को करने के योग्य हैं, तो हमें कोई कितना भी डराए धमकाए, हम एक सूरज के समान चमकेंगे और अपना हक को प्राप्त करेंगे। इस तरह से उनके चार काव्य संग्रह हैं, जिसके अंदर उन्होंने नारी पीड़ा, दलित तथा भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी है। उनकी कविताएं समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के भाव को जगाती हैं और मानव मुक्ति का संदेश पूरे विश्व में फैलाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि ऐसे समाज की कल्पना हो जहाँ पर सभी लोग समान हों, ना कोई दुश्मन हो, ना कहीं दुश्मनी हो। तथा इसी के साथ मैं उनके कहानियों पे आऊँगी कि सुशीला जी जो थी, उन्होंने हर विधा पे थोड़ा थोड़ा कार्य किया है, जैसे कहानीकार के रूप में। सुशीला जी एक कुशल कहानीकार भी थी। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा युगों से चली आ रही मानवीयता, वहम, अंधविश्वास, जातिवाद जैसी पीड़ाओं के प्रतिकार पर के खिलाफ भी अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने उनकी जो प्रथम कहानी लिखी गई थी, वो उन्होंने 8वीं कक्षा में लिखी थी, जब उन्होंने प्रथम बार अपने बहन भाइयों को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत रखते हुए देखा, तो इस कहानी का नाम उन्होंने व्रती रखा, जो टूटता वहम काव्य संग्रह में संग्रहित है। इन्होंने चार कहानी संग्रह लिखे हैं, जिसमें से उनका पहला कहानी संग्रह है टूटता वहम। टूटता वहम कहानी संग्रह जो है 1997 में प्रकाशित हुआ था, तथा
इसमें कुल 12 कहानियाँ हैं। इस संदर्भ में लेखिका कहती हैं, मेरी कहानियाँ जो हैं दलित जीवन की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही नारी भावनाओं को भी दर्शाती हैं। ये कहानियाँ दलित व अदलित दोनों प्रकार की नारी की हो सकती हैं। टूटता वहम की ज़्यादातर कहानियाँ उनके बचपन, उनकी अनुभूति और उनके स्वयं की समस्याओं को दर्शाती हैं। इसमें जो संकलित कहानियाँ हैं, मेरा बचपन, झरोके, मेरा समाज, विचार भूमि, मंदिर का लाभ, सीलिया आदि। तथा इस कहानी संग्रह में सुशीला जी ने जो बताया है, मेन रूप से सुशीला जी की कहानियों की जो पीड़ा थी वो दलित हाशिए के समाज में घटी सच्ची घटनाओं को प्रस्तुत करने की उन्होंने इस कहानी में चेष्टा की है। तथा इसी तरह से उनकी जो दूसरी कहानी संग्रह है अनुभूति के घेरे का प्रकाशन भी 1997 में हुआ था। तथा इसमें भी कुल 13 कहानियां हैं। सभी कहानियां सरल और सार्थक वार्तालाप व एकात्मक भाव और उसमें छिपे मार्मिक भावों को व्यक्त करती है। ये सभी कहानियां लेखिकाओं की अनुभूति और संवेदनाओं की उपज है। किसी समय विशेष में जब कोई घटना लेखिका के मन को प्रभावित कर जाती थी तो लेखिका क्या करती थी, उनको अपने कहानी संग्रह में जोड़ लिया करती थी। ये कहानियाँ स्त्री जीवन की प्रमुख रूप से केंद्रित हैं और इस संकलन में कुछ कहानियाँ यथार्थता, उनके जीवन में जो घटनाएँ घटी हुई थी उनको उन्होंने यथार्थ रूप में प्रकट किया है। जैसे सुशीला जी कहती हैं, मेरी जो कहानियाँ हैं गहराई से प्रस्तुत होती हुई सभी कहानियाँ नारी जीवन की परिस्थितियों के आधार पर क्षमा, करुणा, त्याग और परोपकार आदि सद्भावनाओं से परिपूर्ण हैं। जहाँ नारी के पास सिर्फ अधिकार ही अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, कर्तव्य ही कर्तव्य हैं, उस नारी के लिए स्वयं को सोचने का कुछ भी हक नहीं है। इन कहानियों में सुशीला जी ने मतलब नारी जीवन की यथार्थता को व्यक्त किया है। इसी तरह से मैं उनकी तीसरी कहानी संग्रह पे बात करना चाहूँगी। सुशीला जी ने जो तीसरी कहानी लिखी है वो है संघर्ष, जो अपने नाम के कारण ही पता चल रहा है। संघर्ष मतलब खुद के द्वारा किया गया मेहनत या फिर कोई कार्य। संघर्ष कहानी जो है 2006 में प्रकाशित हुई थी और इसका द्वितीय संस्करण भी निकला था 2012 में। इसमें कुल मिलाकर के 11 कहानियां हैं। सभी कहानियां जो हैं दलित जातियों के जीवन और उनके संघर्षों को चित्रित करती हैं। इस संग्रह की सभी कहानियों के जो पात्र शारीरिक संघर्ष के साथ वैचारिक और मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। इस संग्रह में संघर्ष जनंदीर, छुआ माँ, नई राह की खोज, मुझे जवाब देना जैसी संघर्षरत कहानियाँ हैं। और संघर्ष कहानी से इस कहानी संग्रह का शुरुआत होती है और सीलिया कहानी पे इसका अंत होता है। सीलिया जो एक बहुचर्चित कहानी है जो कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी इसको जोड़ा गया है। सीलिया कहानी सुशीला टागभोरे के जीवन की स्वयं चर्चित कहानी है। इस कहानी में सुशीला जी के बचपन की दृढ़ संकल्पता और कड़ी मेहनत के द्वारा एक ऊंचे मुकाम पर समाज के सम्मान प्राप्त करना को दर्शाया गया है। यह उनकी कहानी बहुत ही चर्चित है। इसी के द्वारा जो उनकी चौथी कहानी है जरा समझो कहानी का जो प्रकाशन हुआ था 2015 में हुआ। इसमें कुल मिलाकर के 10 कहानियां हैं। आतंक के साए, जरा समझो, बदला, कड़वा शख्स आदि कहानी संग्रह की कहानियां हैं। इस कहानी संग्रह में सुशीला टागभोरे के कॉलेज में पढ़ते समय से लेकर के अनुभव और कॉलेज के पढ़ाते समय के अनुभवों को व्यक्त किया गया है। सुशीला जी कहती हैं कि ये जो कहानी है मेरे जाति विमर्श को लेकर के और एक दलित लड़की होने के कारण जो अपमान मैंने सहा था और नारी के प्रति जो कटु सत्य को मैंने इस कहानी में वर्णित किया है। इसी प्रकार वह नज़र कहानी में पुरुष और स्त्री के दृष्टिकोण की बात को उन्होंने उठाया है। तथा रामकली इस संग्रह की अंतिम कहानी है। रामकली जब एक घुमक्कड़ जाति की स्त्री जब किसी बंधनों में ना बंधकर अत्याचार का डटकर सामना करती है। इस तरह से सुशीला जी ने 4 कहानी संग्रह लिखे हैं।
चारों कहानी संग्रहों में सुशीला जी ने संघर्षित आवाज़ उठाई है। जो उनकी पात्र हैं, हर कहानियों के पात्रों में उन्हें कहा गया है कि सभी जो पात्र हैं संघर्षरत है, आवाज़ उठाते हैं, कहीं समाज में समानता पाने के लिए, कहीं अपनी बराबरी का दर्जा बताने के लिए, कहीं परंपरागत विडंबनाओं से मुक्ति के लिए, तो कहीं जातिवादी ढांचे को दूर करने के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं सुशीला जी एक कुशल कहानीकार हैं, जिनके कहानियों में अंबेडकरवादी विचारधारा दृष्टि से साहित्य के लिए संघर्ष और नींव की पत्थर की भूमिका अपनाती हैं। इसी तरह से अगर हम सुशीला जी पे बात करें तो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि सुशीला जी ने हर विधा पे, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, निबंध हो, आलोचनात्मक हो या फिर साक्षात्कार हो, सभी पर कुछ ना कुछ लिखा ही है, जिनको हम उनकी कृतियों में पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने उनकी काफ़ी किताबें पढ़ ली हैं, अभी कुछ पढ़ रही हूँ, जो भी पढ़ा है आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रकट करना चाहा है। और अब हम आ जाते हैं उनके उपन्यासों पर। सुशीला जी दलित साहित्यकारों में सुशीला जी का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुशीला जी ने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर तो लिखा ही है, साथ में उपन्यासों पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहा है। उन्होंने लगभग दलित और नारी जीवन की यथार्थता को सबके सामने प्रकट करना चाहा है। कहने का भाव यह हुआ कि लेखिका ने एक ओर जातिवाद का विरोध किया, दूसरी तरफ नारी पुरुष की समानता की ओर बात की है। सुशीला जी के उपन्यासों में यदि हम कुछ कहते हैं तो सुशीला जी ने 3 उपन्यास लिखे हैं। पहला है नीला आकाश, दूसरा तुम्हें बदलना ही होगा और तीसरा है वह लड़की। इन 3 उपन्यासों में उन्होंने दलित एवं नारी जीवन की वास्तविकता को उभारा है। पहला उपन्यास नीला आकाश जो 2013 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण जो निकला है उनका 2019 में। नीला आकाश दलित जीवन के कठोर यथार्थ का जीवांत दस्तावेज है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की आशाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यह केवल अपनी आपबीती नहीं बल्कि उनकी शिक्षा को जागृति का सशक्तिकरण उत्थान मुक्ति का प्रबल इतिहास है। इसी तरह सुशीला जी ने बड़ी बेबाकी, मोहभंग और आशावादिता की कथा को इसमें बताया है। लेखिका ने विशेष रूप से आंतरिकता, समर्पण और आत्मीयता को मुखरित किया है। लेखिका इस उपन्यास में सदैव भाषावादी सोच को बताती हैं कि दलित जो नीला आकाश है दलित जागृति का उपन्यास है, साथ ही जागरूकता का भी। गौतम बुद्ध तथा अंबेडकर के प्रति जो आदर हम लोगों ने अपनाए हैं, जो दर्शाए हैं, इस उपन्यास में हम उसको देख सकते हैं। दलितों की व्यथा कथा की ओर लेखिका अग्रसर रही हैं और भारतीय समाज में वर्ण जाति भेद की भावना को अत्यंत विकराल रूप जो आजकल धारण किए हुए हैं उसका उन्होंने कठोर वर्णन इस उपन्यास में किया है। और वे चाहती हैं कि जो हमारे समाज में जाति भेद, वर्ण भेद को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए, ताकि सभी लोग के अंदर जो भेदभाव है, दलितों के बीच जो एकता, संगठन, जो मतलब सांप्रदायिकता जो फैली हुई है उसको समाप्त करके एक शांतिपूर्वक राष्ट्र की और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिले। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सभी लोग समान रूप से भाईचारे की भावनाओं को दर्शाएं। तो अब सुशीला जी का जो दूसरा उपन्यास है, सुशीला जी ने कम से कम 22-23 किताबें लिखी हैं, जिसका मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सामने यहाँ वर्णन करूँगी। सुशीला जी का जो दूसरा उपन्यास है तुम्हें बदलना ही होगा, तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है 2015 है। सुशीला जी का यह उपन्यास भी दलित जीवन की वर्ण जाति भेद की समस्याओं को दर्शाता है। लेखिका की नज़र महज भेदभाव को बताना ही नहीं बल्कि वह कथा को उसको आगे ले जाना चाहती हैं। लेखिका खुद कहती हैं कुछ पारंपरिक और रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त मनुवादी, ब्राह्मणवादी तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने वाले लोगों के विचारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर समाज को आमूलचूल मतलब समान रूप से बहुआयामी और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए मैंने इस उपन्यास की रचना की है।
इस उपन्यास की जो नायक और नायिका धीरज और महिमा हैं, वो खड़े होकर के सामने सबके सामने अंबेडकरवादी वैचारिक दर्शन को अपनी ऊर्जा के से समाज में अपनी जोरदार भूमिका निभाते हैं। और वहीं यह उपन्यास दलित जाति और यथार्थवादी ढंग से सच्चाई को बताने का प्रयास करते हैं। जहां समर्थ लोगों का घिनौना चेहरा इस उपन्यास में दिखाया गया है, वहीं यह उपन्यास दलित विमर्श के नए यथार्थ को भी बताता है। इस तरह से हम मूल रूप से कह सकते हैं कि इस उपन्यास का जो मूल उद्देश्य है, दलित जीवन की यथार्थता को बताना, कि दलितों के हम समाज में जितना भी कुछ देखते हैं समझते हैं, दलितों की जो सच्चाई है इस उपन्यास में उन्होंने सबके सामने लाने का प्रयास किया है। अब सुशीला जी का जो तीसरा उपन्यास है, जो उनका अंतिम उपन्यास है, वह लड़की का जो प्रकाशन हुआ था वो 2017 में हुआ। वह लड़की उपन्यास यह उनका अंतिम और नवीन उपन्यास है। इस उपन्यास के अंदर नारी के जीवन के संघर्षों से जुड़ा हुआ है। इस उपन्यास के अनेक मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे स्त्री शोषण पहले भी था और आज भी हो रहे हैं, नई पीढ़ी की लड़कियां शिक्षित होकर स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही सबल और जागृत भी हो रही हैं। मौनी, बबली, प्रियंका 21वीं सदी की जागृत युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं। ये नारी पात्र इसके नाम भले ही अलग अलग हों, परंतु ये सत्य कथाएँ हैं जो उन्होंने नाम बदल बदल करके इस कहानी में मुखरित की हैं। ये हमारे समाज की व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का कड़वा यथार्थ है कि स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं। उन पर अभी तक अनेक प्रकार के बंधन लगाए जाते रहे हैं। उन पर अभी भी स्त्रियों के अस्तित्व और उनके व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। वो हम लोग देखते ही हैं, चाहे वो नारी जब अपने माता पिता के घर में रहती है, तब पितृसत्तात्मक यानी उसके पिता या फिर उसके बहन भाई भाइयों का उन पर अधिकार होता है। वे जो कार्य अपने मन से करना चाहती हैं पहले उनसे पूछ के करती हैं। विवाह होने के बाद वो अपने पति के आदर्शों के द्वारा चलती हैं, पति जो उनका बोलता है वही कार्य करती हैं। और जब उनका प्रौढ़ावस्था आती है तो क्या होते हैं, उनके बच्चों के की बातों को मानती हैं। वो इस उपन्यास में ख़ास तौर पर वो यही कहना चाहती हैं कि समय बदलना चाहिए, प्रत्येक नारी को अपने जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इस उपन्यास का जो मूल आधार है वो भी यही है कि नारी स्वतंत्र है। आज की आधुनिक नारी खुद सोच सकती है, खुद कुछ आगे कर सकती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। आज आधुनिकता के समय में हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। ये नहीं कि हम नारी होकर के भी वैचारिकता से या फिर अपने दायित्वों से मुड़े। हमें हर परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। इस तरह से सुशीला जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उसका वर्णन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा किया है। अब आत्मकथा पे आती हूँ। सुशीला जी ने एक आत्मकथा भी लिखी थी जो बहुत चर्चित आत्मकथा है, सिकंजे का दर्द। जो उपन्यास है वो नाम से ही पता चल जाता है, सिकंजा यानी किसी का पंजा, जो किसी की जकड़न में। इस उपन्यास के अंदर, इस आत्मकथा के अंदर सुशीला जी ने अपनी यथार्थता, अपने भोगे हुए दिनों को व्यक्त किया है। वो कहती हैं, इस जो आत्मकथा का प्रकाशन था वो 2011 में हुआ था। सिकंजा यानी पंजा, जिसकी जकड़न में रहकर कुछ कर पाना कठिन था। सिकंजा यानी कटघरा, जिसमें कैद होकर बाहर जाना कठिन है। सिकंजे का अर्थ हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसमें अपराधी की टांग कस दी जाती है। जिस तरह किसी ताकतवर को सिकंजे में जकड़कर पूरी ताकत से नग्न बना दिया जाता है, उसी प्रकार मुझे भी सामाजिक जीवन की मनुवादी विषमता ने, वर्णवादी, जातिवादी समाज व्यवस्था ने सिकंजे में जकड़ कर रखा है, जिसके परिणाम मेरे अंदर छटपटाहट के सिवा और कुछ नहीं बचा था। सिकंजे का दर्द में मैंने संताप को भोगा है, अपनी छटपटाहट को महसूस की है। दलित होने का, स्त्री होने का इस आत्मकथा में मैंने अभावग्रस्त महसूस किया था। जिस दिन वहाँ दलित स्त्री शोषण की व्यथा और गहरी
गहराई शोषण की व्यथा और गहरी सोच के साथ अपनी आत्मकथाओं को व्यक्त करती हैं। सिकंजे का दर्द आत्मकथा में लेखिका ने अपनी जीवन के अनुभवों को लिखा है, जो शुरू से लेकर के मतलब अपने माता पिता के घर से लेकर अपने ससुराल, जहाँ पे उनके पति के द्वारा उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था, फिर भी उन्होंने अपनी लेखनी को रोका नहीं। उनके पति के द्वारा उनको खाने की थाली पे जूता फेंक करके मारना, ये सब जो हम पढ़ेंगे तब हमें महसूस होगा कि एक नारी को कितनी सारी यातनाओं को सहन करना पड़ता है। साथ ही आधुनिकता के समय में उन्हें घर परिवार बच्चे पति सबकी सेवा करते करते हुए भी अपनी लेखनी को उन्होंने आगे बढ़ाया था। अंततः जो सिकंजे का दर्द है उनकी खुद की पीड़ा को व्यक्त किया है। जब मैंने ये आत्मकथा पढ़ी थी तो मैं भी 2 दिन तक इसको बहुत महसूस कर रही थी कि सच एक नारी कितनी महसूस करती है। तो इसी तरह से सिकंजे के जो दर्द था उन्होंने दलित पीड़ित और मानव अधिकार दिलाना और तिरस्कृत नारी को जीवन को लड़ने के लिए तैयार करना और उन्हें हिम्मत देने के बारे में उन्होंने बताया है कि जो मैंने जो सिकंजा सहा है वो इस आत्मकथा के द्वारा अन्य स्त्रियों को भी ये बताना चाहती हैं कि जो सिकंजा है, जो जकड़न है, उससे दूर निकलो, अपनी लेखनी को या अपने अंदर जो आपके अंदर रुचि है या गुण है उनको बढ़ावा दो। इसी तरह से जो इनकी आत्मकथा है यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। अब मैं उनके नाटकों पे आऊँगी। सुशीला जी ने मैंने पहले ही कहा था हर चीज़ों पे अपनी लेखनी थोड़ी थोड़ी चलाई है। उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। उनके 2 नाटक यहाँ पे बहुत ही चर्चित हैं। पहला नाटक है उनका रंग और व्यंग। रंग और व्यंग नाटक का जो प्रकाशन हुआ था 2006 में हुआ था। इस नाटक संग्रह में उनमें 5 नाटक संकलित हैं, जैसे रंग और व्यंग, जीवन के रंग, चश्मा, व्हीलचेयर आदि। रंग और व्यंग नाटक एक उद्देश्यपूर्ण नाटक कृति है। इस नाटक कृति में समाज में जाति भेद आज भी है और पहले भी था, परंतु सबकी जो झांकियां हैं वो अलग अलग जाति भेद को ही दर्शाती हैं। इस नाटक में सुशीला जी ने शोषण और भेदभाव की परंपरा के विरुद्ध अपनी बात को रखा है। इस संग्रह में विशेष रूप से जाति भेद को जातिवादी भेद और लिंग भेद पर आधारित स्त्री पुरुष असमानता की सामाजिक समस्याओं पर प्रहार किया गया है, तथा साथ ही उनके निराकरण और सरल और महत्वपूर्ण मार्ग भी उन्होंने सुझाए हैं। पीड़ित नारी समाज के प्रतिनिधि पात्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज की समस्याओं, कुंठाओं और विकृत मानसिकता को बताने का इस नाटक में उन्होंने भरसक प्रयास किया है। तथा रंग और व्यंग जो नाटक है वो 5 नाटकों में बटा हुआ है, तो हर नाटक में उन्होंने अम्बेडकरवादी चेतना को उजागर किया है, साथ ही स्त्री पुरुष समानता की ओर की बात भी कही है। उनका जो दूसरा नाटक है नंगा सत्य। नंगा सत्य मतलब समाज के सामने दलितों पर हो रहे अत्याचारों को सभी के सामने प्रस्तुत करना, नंगा करके बताना कि जो समाज ने जो आवरण ओढ़ रखा है उसको सभी लोग समान रूप से देख सकें। नंगा सत्य जो नाटक है का प्रकाशन वर्ष 2007 में हुआ था। ये नाटक समाज का सत्य बताने वाला नाटक है। दलितों के जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्षरत व्यक्ति ही समाज का सत्य खोज सकता है। इस सत्य को आगे बढ़ाने का प्रयास हिंदी की दलित साहित्य की जो लेखिका हैं सुशीला जी ने किया। इस नाटक का मूल उद्देश्य भी भारतीय समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। इसी प्रयास में हेलो आवाज़ आ रही है आप लोग को? हेलो आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो धन्यवाद मैम। मैं अपने बात पे दोबारा आना चाहूँगी कि जो नंगा सत्य है
सर्वहारा वर्ग तक अपनी बात पहुंचाकर लेखिका क्रांति का बिगुल बजाना चाहती थी। इस नाटक के द्वारा उन्होंने अंबेडकरवाद तथा दलित साहित्य लेखन को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया है। वे चाहती हैं कि दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य बने जिसको सभी लोग पढ़ें, सभी हमारी यातनाओं को देखें के जो हम लोग सह रहे हैं उसकी जो प्रताड़ना है, जो उनकी जो संवेदनशीलता है वो सभी लोगों को मालूम चले। इसी तरह से नंगल सत्य जो नाटक है उसमें उन्होंने वर्णवादी जाति भेद को भी वर्णित किया है। अब आगे मैं उनकी आलोचनात्मक कृति पर आना चाहूँगी। आलोचनात्मक कृति पर उन्होंने दो आलोचनाएं लिखी हैं, दलित साहित्यिक आलोचना दृष्टि और दूसरा है उनका भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में। मतलब इस आलोचनात्मक कृति में इन्होंने वैदिक काल से लेकर के आज तक की जो नारियां हैं उसका वर्णन किया है। सबसे पहले मैं उनकी जो पहली आलोचना कृति है दलित साहित्यिक आलोचनात्मक दृष्टि पर थोड़ा सा व्याख्या वर्णन करना चाहूँगी कि जो दलित साहित्य का आलोचनात्मक दृष्टि है वह उसका प्रकाशन वर्ष है 2016 में हुई। दलित साहित्य आलोचनात्मक दृष्टि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह सुशीला टागभोरे जी की एक नवीन आलोचनात्मक पुस्तक है जिसमें उन्होंने 13 लेख संकलित किए हैं और सभी जो लेख हैं सेमिनारों में पढ़े गए हैं और विभिन्न पुस्तकों और संकलित लेख कहीं गैर दलित और कहीं दलितों के द्वारा भी लिखे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है इसे स्पष्ट करते हुए वह कहती हैं हर व्यक्ति के अपने विचार हैं और अपना दृष्टिकोण होता है। हर व्यक्ति अपने ढंग से अपनी बात सभी स्वतंत्र रूप से रख सकता है, फिर भी इस बात की विशेषता जरूर है कि यदि वह पूर्ण रूप से अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है और हम सभी को संदेश दे सकता है। इस पुस्तक की जो विशिष्ट पुस्तकों की आलोचनात्मक और वैचारिक लेख लिखे गए हैं वो मतलब दलित साहित्य की भावबोध और प्रामाणिकता को व्यक्त करती हैं। और इसी तरह से जो उनका दूसरा आलोचनात्मक कृति है भारतीय नारी समाज साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भ में, ये जो सुशीला टागभोरे का दूसरी आलोचनात्मक कृति है इसका प्रकाशन भी 2015 में हुआ था। इस ग्रंथ में सुशीला जी ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की स्त्रियों की हीन स्थिति के कारणों और आलोचनाओं को व्यक्त किया है। मातृसत्तात्मक युग का पितृसत्तात्मक युग में बदल जाना सहज ही संभव नहीं होगा। वो कहती हैं जो मातृसत्तात्मक युग था जब वो पितृसत्तात्मक युग में बदल जाना ऐसे ही संभव नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सा इतिहास होगा, बहुत सा मतलब दृष्टिकोण होगा। उसका उन्होंने कहा है कि नारी के प्रति दोहरा दृष्टिकोण प्रत्येक काल में रहा है, चाहे वो वैदिक युग हो। वैदिक युग में नारी की स्थिति को मात्र कुछ स्त्रियों के उल्लेख के माध्यम से उत्तम बताया गया, जो ब्राह्मण विद्वान ऋषि मुनियों के परिवार की पुत्री या पत्नी थी। लेकिन उस समय के सामान्य समाज में सामान्य स्त्रियों की स्थिति क्या थी उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। स्मृति काल में नारी की स्थिति अत्यधिक दीनहीन बना दी गई थी, जिसका उल्लेख बहुत ही सामान्य भाव से बताया गया है। रामायण और महाभारत काल में नारी की स्थिति के दो रूप हैं, कहीं वो सम्मानित है और अधिकार संपन्न है तो कहीं अपमानित है और अधिकारहीन है। इन्हीं प्रश्नों से जूझते हुए लेखिका ने इस पुस्तक का निर्माण किया और नारी की जो व्यवस्था है उसको बहुत बारीकी से उन्होंने इस आलोचनात्मक कृति में उकेरा है। तथा सुशीला जी ने अन्य भी बहुत सी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, जैसे कि उनका एक निबंध है हाशिए का विमर्श। हाशिए के विमर्श का एक अन्य नाम भी है परिवर्तन जारी है। इसके जो निबंध हैं उसको भी उन्होंने 4 काल खंडों में बांटा है और प्रत्येक खंड के अंदर 4-5 निबंध हैं जो छोटे छोटे हैं। इस निबंध संग्रह का जो प्रकाशन भी 1997 में हुआ था और जो हर मतलब जो निबंध हैं किसी भी गोष्ठियों सम्मेलनों में इन्होंने पढ़ा है। और हाशिए के विमर्श समाज व्यवस्था के शोषित पीड़ित दलित स्त्रियों के हाशिए पर के संग्रह के माध्यम से हाशिए और जात
समुदायों की जागृति का इन्होंने इसमें बात को सभी के सामने रखने का प्रयास किया है। इसी तरह से उनकी जो अन्य पुस्तक है साक्षी है संवाद, साक्षी है संवाद पुस्तक में सुशीला जी ने साक्षात्कार को दर्शाया है। वो कहती हैं कि ये साक्षात्कार को मैंने अभी तक संजो के रखा है ताकि ये मुझे पता चल जाए कि अब जो लोग शोध कर रहे हैं उनको भी इन साक्षात्कारों का पता होना चाहिए। ये साक्षात्कार के अंदर उन्होंने कुछ समीक्षक, कुछ आलोचक, कुछ रीडर और प्रोफेसरों को लिया है जिन्हें विशेष रूप से दलित कविता, उपन्यास और आत्मकथा को केंद्रित किया है और शोध अनुसंधान के प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया है। और इनकी एक अन्य कृति है कैदी नंबर 307 सुधीर शर्मा के पत्र। इस कृति का जब इन्होंने लेखन शुरू किया था तो वो सुधीर शर्मा जो एक कैदी थे उनके सामने जा कर के उसकी मनोव्यथा को प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति जब किसी जेल में कैद होता है तो उसकी मनोव्यथा क्या होती है, उसकी मन की स्थितियां क्या होती हैं। उनसे साक्षात्कार, उसकी यातनाओं को उन्होंने इस कृति में चित्रित किया है और एक नए ढंग से प्रस्तुत करके सुधीर शर्मा के संवेदनाओं, मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और इसी तरह से उन्होंने अन्य भी पुस्तक लिखी हैं जैसे मेरे साक्षात्कार, धन्यवाद के बहाने, जिसका वर्णन यहाँ मैं बहुत थोड़ा सा आप लोगों के सामने करना चाहूँगी। मेरे साक्षात्कार के अंदर जो प्रकाशन जो 2016 में हुआ था इसके अंदर उन्होंने साक्षात्कार को संकलित किया है। वो साक्षात्कार दलित और स्त्री विमर्श से के साक्षात्कार है, विशेष रूप से सुशीला जी के लेखन दलित समाज और स्त्री केंद्र को रख करके विचार विमर्श को इन्होंने इस साक्षात्कार में बताया है। अन्य है धन्यवाद के बहाने। धन्यवाद के बहाने इन्होंने क्या किया है, इस मौलिक विचार को अपने वैचारिक जिनकी इन्होंने समीक्षा की हुई थी उनको वैचारिक लेखन के द्वारा एक पुस्तक का रूप दिया है जिसका प्रकाशन हाल में ही मतलब 2020 में ही हुआ है। और इस पुस्तक के अंदर जो उनकी भूमिकाएं वगैरह सभी को इन्होंने इकट्ठा किया और एक पुस्तक का रूप में व्यक्त किया है। अंततः सुशीला जी के बारे में यदि बात की जाए तो बहुत लंबी चली जाएगी जिसके लिए एक घंटा काफ़ी नहीं होगा। यहाँ मैं सुशीला जी पर यदि कहूँ तो सुशीला जी एक ऐसी लेखिका हैं, एक ऐसी कवित्री हैं जो भारतीय सम्मेलनों में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जा कर के अपनी बात को रखती हैं। एक छोटे से गांव की किनारी जब किसी सम्मेलन में जा कर के बोलती है तो उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गांव से ही क्यों ना निकली हो। उसके अंदर जो एक आत्मविश्वास, जहाँ उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, जहाँ पे वो अपनी बातों को लोगों के सामने रख नहीं पाती थी, आज उनकी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, उनके साहित्य पर शोध हो रहे हैं, तो उन लेखिका के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का कार्य है जिन्होंने अपनी दम पर अपने रचनाओं के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात को रखा है। अंततः मैं आप लोगों के सामने यही कहूँगी कि सुशीला जी पर यदि मैं कितना भी कहूँ वो कम है, परंतु अब तक मैंने 2019 से जो अभी तक पढ़ा है और जो निचोड़ मैंने थोड़ा बहुत उनसे प्राप्त किया है वो यही है कि सुशीला जी की रचनाओं में जाति भेद, लिंग भेद, अत्याचार को स्पष्ट रूप से तो उन्होंने उभारा ही है, साथ ही उन एक सफल साहित्यकार के रूप में भी हम सभी के सामने प्रस्तुत हुई हैं। उनकी विधाओं ने उनके लेख में कम या अधिक मात्रा नहीं है, परंतु उन्होंने जो लिखा है स्पष्ट लिखा है और नारी विमर्श, अम्बेडकरवादी चेतना को उन्होंने व्यक्त किया है। उनके लेखन में जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले के विचारों को वो स्पष्ट करती हैं। वो कहती हैं यदि हमें जो अधिकार एक नारी के पास जो अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही मिले हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अगर नारी अधिकारों को यदि कानूनी तौर पर पारित नहीं किया होता तो आज नारी वही होती जहाँ पहले थी, परंतु डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर के मैं इतना कार्य कर सकी हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अंबेडकर की विचारधारा और फूले जी के विचारों को अपनाएंगे। और इसी साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और डॉक्टर मुल्ला आदम जी का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे
बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।